ओम गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। नमस्कार, स्वागत है आपका आज के गुड लक में। हर रोज की तरह पुनः हम आपके समक्ष उपस्थित हैं आपके प्रश्नों का समाधान देने के लिए। आपके जीवन में क्या चल रहा है? ग्रहों का परिवर्तन आज आपके साथ क्या करेगा और कौन सा उपाय आपके जीवन में कल्याणकारी रहेगा? कैसे आपके कष्ट दूर होंगे? ये सारी बातें हम आपको आज बताएंगे आपकी राशि के अनुसार, और साथ साथ आपके प्रश्नों का समाधान भी देंगे व्हाट्सएप के माध्यम से। तो आप तुरंत अपने प्रश्नों को व्हाट्सएप के माध्यम से हमें भेज सकते हैं, नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पे चल रहे हैं। पहले हम बात करते हैं आज के पंचांग की। तो पंचांग कहता है कि आज कार्तिक मास चल रहा है, शुक्ल पक्ष विद्यमान है, सोमवार है और चतुर्थी तिथि है, और नक्षत्र जो है मूल नाम का नक्षत्र है आज, और योग सुकर्म नाम का योग है, और चंद्रमा जो है धनु राशि में चल रहे हैं। शुभ मुहूर्त का समय नोट कर लीजिए, आज का शुभ मुहूर्त रहेगा 12:04 से लेकर 12:54 तक। रवि योग आज विद्यमान है और वो रहेगा शाम को 6:48 तक। शुभ मुहूर्त के समय इसमें कोई भी कार्य करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। जान लीजिए राहु काल के बारे में। आज का राहु काल जो है वो सुबह 7:44 से लेकर 9:19 तक तो है, तो इससे बचते हुए काम करने का आपको प्रयास करना चाहिए, कल्याणकारी योग बनेंगे। आज चतुर्थी है और आज से छठ पर्व की पूजा भी आरंभ हो रही है, और भद्रा भी साथ साथ रहेगी, और भद्रा का जो समय है वो रहेगी जो वो 13:16 तक। आज नागव्रत है। नारद पुराण के अंदर सर्पदंश से बचने के लिए, मन से भयों को दूर करने के लिए शुक्ल पक्ष की यानी कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन नागव्रत करने का विधान बताया गया, और ऐसे में नागव्रत कर भगवान शिव की आराधना करने से समस्त प्रकार के विषयों का भय, या वैसे भी मन में यदि भय चल रहा है तो इस नागव्रत को करने से अद्भुत रूप से लाभ प्राप्ति के योग बनते हैं। मन से तमाम किस्म की फोबिया, अनेक प्रकार की एंजाइटीज होती हैं, फोबियाज होते हैं, उनको दूर करने के लिए आज का व्रत बड़ा कल्याणकारी रहेगा। आज सोमवार भी है, भगवान शिव की आराधना का दिन है, और इस जगत में भगवान शिव ही सत्य हैं, और भगवान शिव का खासतौर पे हर रूप में जो विद्यमान है वो जीवन में कल्याणकारी योग बनाते हैं। हम सभी भगवान शिव के प्रतीक के रूप में शिवलिंग की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, और भगवान शिव पर एक लोटा जल अर्पित जल करने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो ये जो उपाय है अनादिकाल से लोग करते आए हैं, केवल जल से ही भगवान की प्रसन्नता प्राप्त हो जाती है, इसलिए अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान शिव पर नित्य प्रति जल के साथ बिलपत्र, कच्चा चावल इत्यादि समर्पित करने का जो काम करते हैं उनके जीवन में कल्याणकारी योग बनते हैं। और चंद्रमा जो है, कोई सोमवार है, चंद्रमा संबंध है, और चंद्रमा का जो संबंध है वो माता से, भूमि से, सुख से और इन सब से रहता है। दूध और तरल पदार्थ भी इसके कारक हैं। तो आपकी जन्मपत्री में यदि चंद्रमा का दोष है या चंद्रमा कष्ट दे रहा है आपको, तो रात को दूध या पानी का जो एक लोटा है वो भर के सिरहाने रख लीजिए, और सुबह उठते ही सबसे पहले काम करें उस जो लोटे वाला जो लोटा है जो उसमें दूध या पानी जो भी था उसको उठाकर किसी पीपल के पेड़ पर डाल दिया करें। देखिएगा आपके चंद्रमा को शक्ति प्राप्त करने के लिए, चंद्रमा के कष्ट दूर करने के लिए अद्भुत योग बनेंगे। गुप्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए कौन सा उपाय आज हम आपको बताने जा रहे हैं उसको भी जान लीजिए। गुप्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए, गुप्त होती है जो आपकी अंदर इच्छा हो, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। गुड़हल के पुष्प, दालचीनी के जो खासतौर पर टुकड़े ले लीजिए, 2 आम के पत्ते जिनको लेकर सफ़ेद कपड़े में लपेट लीजिए, और उसमें कुछ रुपये कुछ पैसे डाल दीजिए, और किसी नदी के किनारे जाकर जहाँ मंदिर हो भगवती का वहाँ उसे समर्पित कीजिएगा, अपनी मनोकामना का ध्यान करते हुए, कष्टों को ध्यान करते हुए। देखिए भगवती की कृपा से निवृत्ति के अद्भुत योग बनेंगे, कर सकते हैं आप इस उपाय को, आपको कोई बहुत बड़ा खर्चा होने वाला नहीं है। हम बताने जा रहे हैं मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि वालों की, मां में करेंगे कल्याण। मेष राशि वालों, आज के दिन आपका जो दिन है वो अच्छा श्रेष्ठ रहता दिखाई दे रहा है, आपके अच्छे कार्यों से आपका गौरव बढ़ता दिखाई दे रहा है, आज धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी, आपके स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा आपको सचेत रहना चाहिए। शुभ अंक 1 है, शुभ रंग सुनहरा है, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को आज भोजन कराएं और आर्थिक रूप से उसका सहयोग करें, कल्याण के योग बनेंगे। मकर राशि वालों, आपके लिए कैसा बना रहे हैं ग्रह योग हम आपको बताते हैं। माँ अम्बे का आशीर्वाद आपको मिले, माँ अम्बे करें कल्याण। आज संतान पक्ष की तरफ से अच्छे कार्य होते दिखाई दे रहे हैं, उनकी सराहना हो सकती है, आपके मन में हर्ष हो सकता है। आज व्यापार के लिए किसी परिजन की मदद आप मिलती दिखाई दे रही है, और भौतिक सुख सुविधा के हिसाब से थोड़े खर्चे सोच समझ के आपको करना चाहिए, खर्चों में वृद्धि होगी परंतु साथ साथ लाभ में भी वृद्धि के संकेत दे रही है आज आपकी राशि। शुभ अंक आपके लिए रहेगा 9, शुभ रंग आपके लिए मैरून रहेगा, आज केसर का तिलक लगा लीजिए, देखिए कल्याणकारी योग बनेंगे।
बाद में करेंगे कल्याण। अगली राशि संबंध में बात करें उससे पहले बात कर लेते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों के आए प्रश्नों के बारे में। दिल्ली से रोहिणी जी का एक प्रश्न आया है, उन्होंने लिखा है कि किन देवताओं की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए। उत्तर है बिल्कुल आपके, देखिए शास्त्र में प्रमाणित किया गया है कि देवी देवताओं की उपासना के बाद परिक्रमा लगाने बड़ा आवश्यक कहा गया है। और जो परिक्रमा लगाते हैं और समर्पण करते हैं तो उनके जीवन में बहुत सारी मनोकामना सिद्धि के योग बन जाते हैं। और पूजा का जो परिक्रमा नहीं लगाते हैं, कहा जाता है शास्त्र में, उनकी पूजा का फल भी निष्फल हो जाता है। जिन देवताओं की परिक्रमा की जाती है उनमें सबसे पहले सूर्य की बात करते हैं। भगवान सूर्य की 7 प्रदक्षिणा करने का शास्त्र में नियम बताया गया है। वहीं विष्णु जी की पूजा करने के बाद उनकी 4 प्रदक्षिणा लगाने के शास्त्र में कहता है। दुर्गा जी की 1 प्रदक्षिणा लगाई जाती है, हनुमान जी की 3 बार प्रदक्षिणा, और शिवलिंग की प्रदक्षिणा बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग दोष कर देते हैं इसमें, शिवलिंग का जहाँ जल निकलता है उसको भी क्रॉस कर जाते हैं। शिवलिंग की आधी प्रदक्षिणा ही की जाती है, इस बात को ध्यान रखना चाहिए। जब भी पूरी प्रदक्षिणा करेंगे तो वो दोष हो जाएगा। शिवलिंग का जहाँ जब तक पानी वाली निकलने वाली जगह जो ढकी हुई नहीं है उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपके जीवन में अनिष्टकारक योग बन जाते हैं, आपकी पूजा जो भी है वो भी निष्फल हो जाती है। तीसरी राशि मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। मां अम्बे करेंगी कल्याण। आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है मिथुन राशि वालों। आज किसी कार्य क्षेत्र का विस्तार होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। आज यात्रा के योग भी आपकी राशि प्रबल रूप से दिखा रही है। यात्रा में जाने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, परंतु सेहत का ध्यान रखिएगा, यात्रा में कहीं ऐसा ना हो काम के चक्कर में सेहत में भूल जाए। आज व्यापार में खासतौर पर निवेश करना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। सफेद पुष्प भगवान शिव की पूजा करते हुए उन्हें अर्पित करें, आपके तमाम परेशानी कष्ट दूर होंगे। मामे करेंगे कल्याण। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। आज का दिन सामान्य रहता दिखाई दे रहा है। आज परिवार के साथ कुछ मतभेद हो सकते हैं, अपनी वाणी पर कुछ संयम रखें। ऐसा नहीं कुछ भी आए मन में बोल दीजिए, कष्ट हो जाएगा। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। गणेश जी को दूर्वा समर्पित करें और दूर्वा समर्पित करने से आपके आर्थिक कष्ट दूर होंगे। मामे करेंगे कल्याण। और इस कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, लोग प्रश्न लगातार हमारे पास आ रहे हैं। फरीदाबाद से वीरेंद्र जी का एक प्रश्न आया है, उन्होंने कहा है कि दिन भर शरीर में आलस्य बना रहता है, ऐसा लगता है कि शरीर में जान ही नहीं है, और परिणाम यह है कि आज का काम कल, कल का काम परसों, छोड़ने इसके कारण से बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। उपाय यह है आपकी राशि के अनुसार से एक तांबे का सूर्य यंत्र बनवाएं, उसको स्थापित करें अपने शयन कक्ष में, पूर्व दिशा में इस तरह लगाएं कि जब आप सुबह उठे तो उस पर आपकी नजर पड़े। इस लेवल पर आपको लगाना है, देखिएगा उसका दर्शन करने मात्र से, और उसको सिद्ध कराइएगा ओम गणेश सूर्य आदित्याय नमः या आदित्य स्तोत्र का पाठ करने के उपरांत, देखिएगा धीरे लाभ प्राप्त होगा। अब इस कार्यक्रम में हम ले रहे हैं आज का मुख्य विषय, सोमवार का दिन है और सोमवार के दिन क्या क्या करना चाहिए, कैसे आपके जीवन में कष्ट दूर हों। सोमवार के दिन जो देवता हैं चंद्रमा और शिव, उनको प्रसन्न कर आपके जीवन की जो परेशानी है वो कैसे दूर हो सकती हैं, वो रहस्य हम आपको बता रहे हैं। धन संपत्ति की वृद्धि कैसे हो, और ऐसे में जो उपाय आपको करने चाहिए सोमवार के दिन, उससे आपके जीवन में कैसे सिद्ध हो सकते हैं समस्त कार्य, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। सोमवार को क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, देखिए धर्म के अनुसार प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ कार्य वर्जित बताए गए हैं। अगर हम इस बात का ज्ञान हमें प्राप्त हो जाए, क्योंकि सही दिशा मिल जाए ना, तो जीवन में कल्याणकारी योग बनते हैं। हर कर्म से उसका एक्शन जो होते हैं उसके रिएक्शन भी होते हैं, तो शुभ कर्म की तरफ एक्शन होंगे तो शुभ रिएक्शंस होंगे। तो इसलिए हमें गलत काम से बचने का प्रयास करना चाहिए। कौन सी दिशा हमारे लिए शुभ है, कौन सा कार्य हमारे लिए शुभ है, किस दिन कौन सी शुभ, हर कार्य हर समय शुभ नहीं होता। तो इसलिए जीवन में सकारात्मक प्रभाव दिखने शुरू हो जाए, उसके लिए हम आपको बताने जा रहे हैं सोमवार को मन शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए, धन में बढ़ोतरी के लिए क्या कुछ आपको करना है। सोमवार का दिन भगवान शिव का होता है, और इस दिन चंद्र ग्रह के जो उपाय करने से अद्भुत रूप से कारगर सिद्ध हो जाते हैं। चंद्र में जब दोष हो जाए तो सोमवार के दिन कुछ उपाय अवश्य करने चाहिए। चंद्र ग्रह का संबंध सफेद वस्तुओं से होता है, हमारे मन से होता है, जल का प्रतिनिधित्व करता है चंद्रमा, और चंद्र ग्रह के अनुकूल प्रभाव करने के बाद इन सब चीज़ों के, सब प्रकार के जो सफ़ेद खाद्य पदार्थ हैं, जैसे दूध, दही से, दूध से बनी हुई तमाम चीज़ें, चावल, सफ़ेद तिल, अखरोट, मिश्री, बर्फी और जैसी मिठाइयाँ इत्यादि का प्रयोग अधिक से अधिक करने का प्रयास करना चाहिए। इनको इस दिन में प्रयोग करने से, देखिए चंद्रमा को, यानी इन सब चीज़ों को चंद्र सोमवार के दिन उपयोग करने से कल्याणकारी योग बनते हैं। और इस दिन सोमवार के दिन भगवान शिव का जलाभिषेक करने से, उसमें थोड़े से कुछ तिल मिलाकर 11 बिलपत्र समर्पित करने से भी अद्भुत रूप से लाभ प्राप्त होता है। सोमवार का स्वामी चंद्र है और वो मन का प्रतीक होता है। इस दिन उपाय के तौर पे सबसे पहले मन को शांति करने का प्रयास करना चाहिए, और जो उपाय करते हैं उससे मन को शांति भी प्राप्त होती है, फिर तन भी, यदि मन स्वस्थ हो गया, शांत हो गया, तो देखिए तन की आरोग्यता का भी प्राप्ति करने का मार्ग आपको मिल जाएगा। और साथ साथ यदि मन शुद्ध है,
और तन भी शुद्ध हो गया, तो आप माने जो कार्य कर रहे हैं वो अच्छे से संपादित होगा, धन भी आगमन शुरू हो जाएगा। यदि आप व्यापार में घाटे से लगातार परेशान हैं तो एक उपाय जान लीजिए, सोमवार के दिन भगवान शिव का अभिषेक शक्कर मिले दूध से करने के चीज से अद्भुत रूप से लाभ प्राप्त होता है। ऐसे से जातक में कार्य क्षेत्र में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की प्राप्त करने के योग बन जाते हैं। सोमवार को सफेद गाय को रोटी और गुड़ मिलाकर खिलाने से भी कष्ट दूर होते हैं। ये छोटे से उपाय हैं, नोट कर लीजिए, आपको लाभ प्राप्त होगा। ऐसे और भी बहुत सारे उपाय हैं, अभी आपको बताएंगे। पहले बात कर लेते हैं बेचारे सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वाले बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। सिंह राशि वालों, आपके लिए ग्रह कुछ क्या कह रहे हैं आज हम आपको बताते हैं। माम में करेंगे कल्याण। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ खास रहता दिखाई दे रहा है। आज यदि आप व्यापार में हैं तो आपको कुछ नया लाभ होता दिखाई दे रहा है। परिवर्तन का समय आपके समक्ष आता दिखाई दे रहा है। तो लोग नौकरी में हैं सिंह राशि वाले जातक, उनके आज मित्रों का सहयोग उनको मिलता दिखाई दे रहा है। परिवार में थोड़े खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं, इसलिए खर्चों पर बैलेंस करने का आपको प्रयास करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 9 रहेगा। शुभ रंग आपके लिए मैरून है। मीठे चावल बनाकर गरीबों को बांट दीजिए, देखिए आपके कष्ट कम होंगे। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है मुझे दिखाई देता है। ग्रह दिखाते हैं कि आज आपके बहुत लंबे समय से जो कार्य रुके हुए हैं उनको पूरा करने का प्रयास करते दिखाई दे रहे हैं। संतान की बीमारी थोड़ी आपको कष्ट दे सकती है, इसलिए आपको उपाय करने का प्रयास करना चाहिए। जीवन साथी का सहयोग आपको मिलेगा, लेकिन भाइयों के साथ किसी ना किसी कारण से विवाद हो सकता है, शांत रहिए। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए सफेद है। गरीबों को भोजन कराइए, कुछ अन्न दान कीजिए, कल्याण होगा। मामे करेंगे कल्याण। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है हम आपको बताते हैं। आज आपको अपने व्यापार में सतर्कता बरतने का प्रयास करना चाहिए। निवेश के लिए जल्दबाजी नहीं करें। जल्दबाजी का जो काम है, कहा गया ना कि जल्दबाजी काम शैतान का, तो आज बुद्धि और विवेक से निर्णय लेने का प्रयास करें। आज कोई बड़ी धन हानि हो सकती है, इसलिए आप सावधान रहेंगे तो बचाएंगे उस चीज़ को। शुभ अंक आपके लिए 1 है। शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। दूध का दान करना आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ रहेगा। मामे करेंगे कल्याण। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है हम आपको बताते हैं। ग्रहों की गणना दिखाती है कि आज आपकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन व्यय कुछ अधिक होता दिखाई दे रहा है। संतान की तरफ से आज कुछ शुभ समाचार प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। आज मान सम्मान में वृद्धि के संकेत दे रहे ग्रह। आज भाग्य के दृष्टिकोण से आपका दिन उत्तम रहेगा। शुभ अंक आपके लिए जो है वो 3 है। शुभ रंग आपके लिए पीला है। शिव की आराधना करें, भगवान शिव प्रसन्न होंगे तो सब कुछ आपके लिए शुभ होगा। मामे करेंगे कल्याण। और हम बात कर लेते हैं सपन विज्ञान के संबंध में। मुंबई से दामोदर जी का एक प्रश्न आया है और उन्होंने सपने में जो देखा है वो लिखते हैं कि उन्होंने सपने में भुट्टा देखा, यानी मक्के का जो फल होता है वो देखा, और जानना चाहते हैं क्या संकेत। देखिए, सपने में भुट्टे का देखना शुभ संकेत नहीं है। आने वाले समय में रोग, चेचक इत्यादि स्किन डिसीज आपको परेशान कर सकती है, तो इससे आपको सावधान रहना चाहिए। खासतौर पर अपने हाइजीन मेंटेन करने का प्रयास करना चाहिए और भगवान शंकर के महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए। ओम हौं जूं स ये लघु मृत्युंजय, इसका जप करें, कष्टों से निवृत्ति के योग बनेंगे। इस संबंध में एक और प्रश्न आया है जो दिल्ली से आया है, गौरव बंसल जी का। उन्होंने सपने में क्या देखा, वो देखते हैं कि सपनों में खासतौर पे वो शत्रु को पीठ दिखाकर भाग रहे हैं। देखिए, सपने हैं बड़े विचित्र प्रकार के हो सकते हैं, और खासतौर पे जो गौरव जी आपने लिख के भेजा है और सपने में आप शत्रु को पीठ दिखाकर जो भाग रहे हैं, ये दिखना सपने में पीठ दिखाकर भागना शुभ संकेत है, आगे बढ़ने के संकेत मिलेंगे। और ऐसा दिखाई देता है कि भविष्य में आप अपने कार्यों में सफल होते दिखाई दे रहे हैं। ये सपना आपको आपके लक्ष्य की तरफ ले जाता दिखाई दे रहा है, आगे बढ़ने में अग्रसर हो सकते हैं और जीवन में कल्याण के योग बनेंगे। तो आपके भी सपने क्या कुछ दिखाते हैं आपको, यदि कोई ऐसी बात देखी है आपने सपने में जो आपको कर रही है परेशान और जानते नहीं है क्या है इसका प्रभाव और फल क्या है, तो हमें तुरंत आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। हम उन सब प्रश्नों का निदान आपके व्हाट्सअप के माध्यम से आपको देंगे। माँ अम्बे करेंगे कल्याण। और इस वक्त हम बात कर लेते हैं आज के विषय की। जी हाँ, सोमवार को खासतौर पर किस प्रकार से आपके जीवन में कल्याण के योग बनते हैं, क्या उपाय करना चाहिए, क्या निवेश करना सोमवार के लिए शुभ माना जाता है या अच्छा माना जाता है, क्या कुछ है सोमवार का प्रभाव। सोमवार को निवेश करना बड़ा शुभ माना जाता है, बड़ा शुभ दिन है, शुभ वार है। सोने चांदी इत्यादि शेयर में निवेश करने की यदि सोच रहे हैं तो सोमवार को दिन को आप चुन सकते हैं, भविष्य में कल्याण के योग बनाएगा। दक्षिण पश्चिम और वायव्य कोण की यात्रा करने के लिए भी खासतौर पर सोमवार का दिन बड़ा शुभ माना जाता है। इस दिन ग्रह निर्माण के लिए भी यदि कोई कार्य आरंभ किया जाता है तो शुभ माना जाता है। मंगलवार के दिन ग्रह आरंभ करना शुभ नहीं है, परंतु इस दिन सोमवार के दिन ग्रह आरंभ संबंधित कार्य करना शुभ दिखाई देता है। और शपथ ग्रहण इत्यादि राज्याभिषेक और खासतौर पर नौकरी को ज्वाइन करने के लिए भी सोमवार का दिन विशेष तौर पर ज्योतिषीय दृष्टिकोण से शुभ माना जाता है। कृषि के संबंधित कार्यों के लिए, लेखन इत्यादि कार्यों को शुभ आरंभ करने के लिए, कुछ नया ग्रंथ शुभ करने के लिए, कोई क्रिएटिविटी के संबंधित कार्य करने के लिए भी ये दिन बहुत शुभ माना जाता है। दूध घी इत्यादि का क्रय विक्रय का यदि काम करना चाहते हैं और उसमें कोई मुहूर्त आपको
यदि दिख रहे हैं तो सोमवार का दिन मुहूर्त आता है तो वो भी बहुत शुभ माना जाता है। किसी साधना के प्रति आपके मन में कोई मंत्र जप करने के लिए आपके मन में कोई संकल्प है तो यदि सोमवार के दिन यदि कार्य करना चाहते हैं तो बहुत शुभ रहेगा। तो इस प्रकार से सोमवार का दिन इन कार्य के लिए विशेष तौर पर शुभ है। अब हम बात कर लेते हैं राशियों के संबंधित। माँ अम्बे करेंगे कल्याण, धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा हम आपको ज्योतिषी गणनाओं के अनुसार से बताते हैं। ज्योतिषी गणनाओं के अनुसार से आज का दिन धनु राशि वालों आपके लिए सामान्य रहता दिखाई दे रहा है। परिवार में सुख सुविधाओं के हिसाब से कुछ धन व्यय सुख संबंधित सामान के लिए खर्च होता दिखाई दे रहा है और पड़ोसी के साथ कुछ मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं, आपको सावधान रहना चाहिए। ये मतभेद आपको परेशानी में डाल सकते हैं, इसलिए बेवजह विवाद में ना फंसे वो आपके लिए शुभ रहेगा। शुभ अंक आपके लिए जो है वो 9 है, शुभ रंग आपके लिए मेहरून है। जो उपाय आपको करना है वो हम आपको बता रहे हैं, उसको करने का प्रयास करें, कल्याण होगा। गाय को चारा खिलाए आपके लिए शुभ रहेगा। माँ अम्बे करेंगे कल्याण, मकर राशि वालों आपके लिए आज का दिन कैसा है हम आपको ग्रहों की गणनाओं के अनुसार से बताते हैं। बेवजह कुछ चिंताएं आपको परेशान कर सकती हैं, आपके शत्रुओं से आपको सावधान रहने का प्रयास करना चाहिए। विरोधी आज आपका चाहकर भी कुछ बिगाड़ने के लिए प्रयास करेंगे तो इसलिए आप कोशिश ये करें बनते काम आपके बिगड़े ना, इसलिए आपको सावधान रहने का प्रयास करना चाहिए। कारोबार में नौकरी वालों को थोड़ा सतर्क रहने का प्रयास करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए काला। छोटे बच्चों के लिए कुछ उपहार आपको देने का प्रयास करना चाहिए, जरूरतमंद बच्चों में कुछ मिठाई का वितरण करने का प्रयास करना चाहिए, आपके लिए शुभ रहेगा। सोमवार के विषय में हम आपको बहुत सारी बातें बताई आज आपको, लेकिन सावधान आपको सोमवार के दिन कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे आपको उठाना पड़ सकता है नुकसान, तो इसलिए हम आपको वो भी बता देते हैं। चंद्र से पीड़ित व्यक्ति को यदि इस दिन शक्कर का त्याग करने का प्रयास करना चाहिए तो उनके लिए शुभ रहेगा। इस दिन उत्तर पूर्व उत्तर का पूर्व का आग्नेय कोण की यात्रा नहीं करनी चाहिए, खासकर इन दिशाओं में दिशाशूल रहता है। इस दिन माता को के साथ वैसे तो माता के साथ कभी भी यानी माँ के साथ किसी प्रकार भी विवाद नहीं करना चाहिए, भूल कर भी चंद्रवार के दिन सोमवार के दिन तो बिल्कुल भी कोई अपशब्द का भी उपयोग ना करें, अन्यथा आपके चंद्रमा और आपके खासतौर पर अशुभ हो जाएंगे। तामसिक भोजन का भी किसी प्रकार भी सोमवार के दिन ग्रहण करना शुभ नहीं माना जाता, तो ये बातें ध्यान रखते हुए आगे बढ़ाने का प्रयास करें, जीवन में कल्याण होगा। अंतिम दो राशियों के संबंध में बात करेंगे, उससे पहले बात कर लेते हैं एक प्रश्न की जो व्हाट्सएप के माध्यम से आया है। नोएडा से प्रियंका गोयल जी का एक प्रश्न आया है, उन्होंने लिखा है कि अपने सेहत के संबंध में चेहरे पर ग्लो किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, कोई विशेष मुद्रा जानना चाहती हूँ। जी हाँ, मुद्राएं बहुत चमत्कारी हैं और इसी कारण से हमने इन मुद्राओं को इस कार्यक्रम में रखा है। ज्योतिष के अंतर्गत आती है, भारतीय संस्कृति के अंदर आती है, तो आपको हम बताते हैं कि 15 मिनट के लिए सिंहाकांत महाकरण आपके चेहरे पे कैसे ग्लो आ जाए। ये सिंहाकांत मुद्रा है, तो ये पद्मासन में बैठकर या आलती पालती बैठकर आंख बंद कर दोनों हाथों को देखिए, आप अपने हाथ कान के आस पर हाथ लगाइए, यदि आप देखेंगे आपके हाथों से एक विद्युत प्रवाह निकलता है, इसको एनिमल मैग्नेटिज्म बोला जाता है। और जब आप आंख बंद कर ध्यान में इस सिंहाकांत मुद्रा का अभ्यास करते हुए अपने चेहरे के आसपास रखेंगे और ये प्रभाव रखें कि जो हाथों से रेज निकल रही हैं वो आपके चेहरे पर आच्छादित हो रही हैं। इस मुद्रा का ध्यान करने से अभ्यास करने से आपके चेहरे पर एक नेचुरल ग्लो अट्रैक्शन अपने आप व्याप्त हो जाएगा। कोशिश ये करें सुबह उठते ही थोड़ी देर के लिए इस मुद्रा का अभ्यास करें, जब मन शांत हो या करने का प्रयास कीजिए, देखिए कल्याणकारी योग बनेंगे। सोमवार के दिन कौन कौन सी बातें करनी चाहिए ये सब आपको बताइए। एक बात और ध्यान कर लीजिए, सोमवार को शनि से संबंधित भोजन करने से कष्ट हो सकते हैं, जैसे बैंगन इत्यादि, कटहल इत्यादि, सरसों का साग, काले तिल, उड़द और तेज मसालेदार सब्जियों का प्रयोग करने से चंद्रमा संबंधी समस्या और उत्पन्न हो जाएंगी। शनि से संबंधित कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए इस दिन, जैसे काले, नीले और जामुनी कत्थे रंगे जो कपड़े हैं वो खासतौर पर शनि संबंध रखते हैं और चंद्र पहनने से यानी सोमवार के दिन पहनने से अंशकारी योग बनते हैं। इस दिन वैसे तो कहा गया है शास्त्र के अंदर कभी भी महिला का अपमान नहीं करना चाहिए, परंतु यदि आप क्रोध में आ भी गए और कुछ गलत कार्य हो गया है तो यदि आप मंगल सोमवार के दिन इस प्रकार का काम करेंगे तो और ज़्यादा ग्रहों के अनुसार से कुप्रभाव आपके ऊपर उपस्थित होगा। इन सब बातों को ध्यान रखते हुए काम करने का आप प्रयास करें, आपके लिए समय शुभ हो। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है हम आपको बताते हैं। आज का दिन मिला जुला सा रहता दिखाई दे रहा है, आपको धैर्य से काम करना होगा, लेकिन जल्दबाजी में कोई कार्य ना करें, जो जल्दबाजी में काम करेंगे तो बिगड़ सकता है। आप पर आज कोई भारी नुकसान कराने के योग दिखाई दे रहे हैं, संतान पक्ष की ओर से शुभ समाचार प्राप्त होंगे। शुभ अंक आपके लिए 6 रहेगा, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है, लाल चंदन का टीका लगाना बहुत बहुत शुभ रहेगा आपके लिए। अब बात कर लेते हैं अंत में मीन राशि वालों की। माँ अम्बे का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। आज का दिन आपके लिए स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा परेशानी कष्ट देता दिखाई दे रहा है, आज कोई रोग आपको परेशान कर सकता है, आप जरूरत से ज़्यादा धन खर्च करने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं, इसलिए खर्चों को कंट्रोल करने का प्रयास करें। निवेश संबंधित यदि कोई विचार मन में आ रहा है तो उसको टालने का प्रयास करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 4 रहेगा, शुभ रंग आपके लिए भूरा है। सूर्य को विशेष तौर पर अर्घ देना आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा।
अब हेल्दी टिप की बात कर लेते हैं, और आज हेल्दी टिप में हम बात करने जा रहे हैं सूरजमुखी के तेल के संबंध में। सनफ्लावर जो ऑयल है विशेष तौर पे प्राकृतिक तौर पे इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए बहुत शुभ माना जाता है। एंटी इंफ्लामेटरी होता है, जिनके शरीर में सूजन की समस्या बहुत है तो सूरजमुखी का तेल उपयोग करने से शुद्ध रूप से उससे बीमारी से बचा जा सकता है। यानी जिसके अंदर आपके शरीर में वाटर रिटेंशन हो रही है तो उसको ठीक करने के लिए सूरजमुखी का तेल बहुत अद्भुत रूप से लाभ देता है। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर बहुत विशेष प्रकार की स्टडी करी, उनको पता चला कि सूरजमुखी के बीजों से जो तेल निकलता है वो खासतौर पर कई प्रकार की बीमारियों के खिलाफ काम करने के लिए आपके अंदर एंटीबॉडीज को डेवलप कर सकता है, जो मुख्य रूप से शरीर में इन्फ्लामेटरी टिश्यूज होते हैं उनमें सूजन का कारण होते हैं, उनको दूर करने में भी सूरजमुखी का तेल बहुत अद्भुत रूप से लाभ करता है। तो आपकी इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए, आपकी खासतौर पर डाइट को ठीक करने के लिए, डाइट को डाइजेशन प्रॉपर करने के लिए भी कुकिंग में इस प्रकार से यदि सूरजमुखी का तेल यूज़ किया जाए तो आपको खासतौर पर लाभ करने के योग बन जा सके। सूरजमुखी के तेल के अंदर एंटी बैक्टीरियल खूबी भी पाई जाती है, इससे आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए भी अच्छा लाभ प्राप्त होगा। तो आइए इसके संबंध में थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं और बताते हैं गठिया के रोग में प्राकृतिक तौर पर उपचार करने के लिए सूरजमुखी का तेल बहुत अद्भुत रूप से लाभ देता है। जिनके गठिया के दर्द हैं, जोड़ के दर्द हैं, उसमें ये बीमारी को ठीक करने के लिए इसका आप उपयोग कर सकते हैं, आपके शरीर में दर्द इत्यादि को ठीक करने के लिए। और साथ साथ देखिए गठिया के अंदर सूजन आ जाती है तो सूजन के लिए तो सूरजमुखी का तेल काम करेगा, तो आपकी बीमारी में लाभ देगा। और एलर्जी जिनको रहती है बहुत सारी, उसमें भी खासतौर पे इसका लाभ प्राप्ति के जो बनते हैं, जिनके शरीर में प्रोटीन टूट जाते हैं उन प्रोटीन को डेवलप करने के लिए आपकी खासतौर पे लाभ प्राप्ति के जो बन सकते हैं। तो इस प्रकार से आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा हमने ज्योतिषी गणनाओं के अनुसार से आपको बताया। आपके मन में कोई चल रहे हैं प्रश्न तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमें भेज सकते हैं अपने प्रश्नों का निदान देने के लिए, हम आपको अवश्य निदान भेजेंगे, उपाय भेजेंगे, उनको करिए आपके जीवन की समस्याएं दूर करने के योग बनेंगे। तो अब समय आपसे विदा लेने का, कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्।